ये एक पहली फिल्म है और जिस तरह के हालात हैं, फिल्म थिएटर में ना रिलीज होके प्लेटफॉर्म पे जा रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? दूसरा सवाल मैं साथ में ऐड कर दूं, बाकी लोगों को परेशानी ना हो। वी हैव सीन यू प्लेइंग फुटबॉल विद रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह, क्या आपको लगता है कि पंचनामा 3 का भी अनाउंसमेंट कर देना चाहिए सेम के साथ? रणबीर रणवीर और पंचनामा 3 सर से ये सवाल करेंगे, अच्छी कास्ट है। बट मैं अगेन विद द काइंड ऑफ फिल्म धमाका, जैसी धमाका फिल्म है, और इसके लिए हम लोग ने जब ये आई थिंक जब ये फिल्म तैयार हुई थी और या फिर उसका जो प्रोसेस भी चल रहा था, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए आज की तारीख में, जैसे रोनी भी बोल रहे थे कि एक ऑडियंस का जो पैलेट है वो दोनों तरफ ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे वो कि बॉक्स ऑफिस के लिए अलग फिल्म बनेगी इसके, या थिएटर के लिए अलग बनेगी, और यू नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अलग बनेगी। ये आज की तारीख में एक ऑडियंस का इतना ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो स्टोरी में ज्यादा चला गया है। अगर वो स्टोरी अच्छी लगती है, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए थिएटर भी जाएंगे और आप उसके लिए अपने घर पे टीवी पे या लैपटॉप पे या कहीं पे भी फोन पे फिल्म देखेंगे, तो वो देखेंगे जरूर। मेन चीज है हमारे लिए कि ऑडियंस आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहे वो थिएटर हो चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ऐसे मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मिक्स करना है कि एक कॉकटेल बनाना है ये यहाँ के लिए ये यहाँ के लिए। वो आई थिंक वो पूरा डिसीजन जो होता है वो फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर एंड सबका होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ये फिल्म करेक्ट है। मैं सिर्फ वहां पे एक्ट करने और मतलब सिर्फ एक्ट करने आता हूँ।